अभी कुछ कर लो छूट में रिकॉर्डिंग हुआ है कल्पना जी गाना गा रहे हैं आपने सारे गाने लिखे हैं क्या कहना गाने सारे हमने लिखी है और बिल्कुल पुराने फोक और इंडियन म्यूजिक जिसको हमारे पहले भोजपुरी फिल्में जैसे गाने बनते थे उस हिसाब से मैंने प्रयास किया है कि पुनः वो कर्णप्रिय धुन और उस तरह के चूँकि मधुकर जी हमारे छोटे भाई हैं और बहुत अच्छा मतलब भी हमारे यहाँ के म्यूज़िक का उनको ज्ञान है तो उनसे मैं भी आग्रह किया हूँ कि भाई वो चीज़ आनी चाहिए जिसके चलते हमारी भोजपुरी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कर्णप्रिय धुन और शब्दों के और ये भाषा इतनी समृद्ध भाषा है तो इसको हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये बरकरार रहे तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में किस तरह से बहुत अच्छी फिल्म है सब्जेक्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है मैं खुद किया हूँ सब्जेक्ट इसका और गाने भी लिखा हूँ और बाकी जितने भी नामी गिरामी कलाकार हैं भोजपुरी के सभी दिल से लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि पिक्चर बहुत ही बढ़िया होगी अप्रत्याशित सफलता इस फिल्म को मिलेगी हमारे निर्माता बंधु हैं ये निर्मल जी लखनऊ वासी हैं और वो भी दिल से उनकी यही सोच है कि एक अच्छी फिल्म बने जिससे हमारे दर्शक जो अभी जो माहौल चल रहा है इस पर थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आए दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पिक्चर ज़रूर देखें इसमें हमारे भोजपुरिया कलाकार गीतकार संगीतकार सभी लोग मिल करके एक नया अनुभूति कराने का प्रयास किए हैं और आप लोग हमें आशीर्वाद दें और स्वीकार करें और इस फिल्म को ज़रूर देखें ही गा रही है हर फ्लेवर के क्या कहना चाहेंगे बहुत खुश हूँ एक्चुअली सारे गाने पिछले मीन्स लास्ट तो अभी मैं एक फिल्म में गाई हूँ उसमें 10 के 10 गाने हैं क्योंकि हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है बात वो नहीं है पिछले 2-3 साल से मैक्सिमम सॉन्ग्स गा रही हूँ और अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे लिए ये फिल्म इम्पॉर्टेंट इसलिए है आफ्टर सो मेनी ईयर्स एक्चुअली बहुत करीब 3-4 साल बाद शायद हम लोग वापस एक साथ मतलब काम करने का एक मौका मिला और मधुकर आनंद जी को सब जानते हैं वो अलग से बोलने की बात नहीं है और इनके कंपोजिशन में मैं हमेशा एक फिल्म म्यूज़िक के अलावा जैसे मैं अगर मेरे पर्सनल एल्बम्स की बात करूं खासकर ताजमहल की बात करूं तो एक रवान की बारी जो एक रूहानियत जो होती है गज़ल में जो बात होती है वो मधुकर जी के कंपोजिशन पे होते हैं और तो मैं खुश हूँ और ऐसा ही कुछ धुन भी रही हूँ इस फिल्म में शायद कहीं कुछ मिले और वीरेंद्र पांडे जी है उन्होंने ताजमहल में भी बहुत अच्छा लिखा था चांदनी हंसके भुइयां वो गीत याद है मुझे अभी भी याद है और वापस इस फिल्म के जो लिरिक राइटर है वीरेंद्र जी है सो आई एम हैप्पी इसमें अलग अलग फ्लेवर के हैं तो किस किस फ्लेवर के मूड के गाने आपको गाने को मिले अब तक मैं 2 गाना गा चुकी हूँ सो दोनों ही अलग था फर्स्ट वन चुलबुलापन एक आइटम सॉन्ग जिसको आजकल कहा जाता है उस रंग का ही है और सेकंड वन कम्प्लीटली ऑपोजिट था ट्रेजिक मतलब दुखी वाला जो एक मूड में गाना चाहिए ऐसा एक गीत था दो लाइन कोई गाना गुनगुना जो आपके पसंद का इसका जो अभी मैं गाया तो थे ही अंदर मैं वो गा सकते हो चांदनी वाला गा दीजिए चांदनी चांदनी हंस के भुइया छिटाई गई ले चांदनी हंस के भुइया छिटाई गई ले चांद बदरा में छुप के लजाई गई ले चांद बदरा में छुप के लजाई गई ले चांद बदरा में छुप के आगे क्या था बैर चुनरी के अचरा उड़ाई गई ले बैर चुनरी के अचरा उड़ाई गई ले राग मीठा पवनवा सुनाई गई ले राग मीठा
सुनाई गई ले राग नदरा में छुप के। बहुत अच्छा वीरेंद्र भैया ने लिखा था और बचपन याद आ जाती है। मतलब ये बात करें कि इसमें आपने पूरा प्रकृति को और सारी फिजाओं को आपने समेट दिया था। जी, जब मैं मुंबई में पहली बार आया था तो कल्पना जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और इन्हीं के वजह से आज मैं म्यूजिक डायरेक्टर एस्टैब्लिश हुआ। ऐसा नहीं है, शुरुआत में एक हिंदी पिक्चर हम लोग अपने जो है वो निकल के आने मतलब आज सपोर्ट की बात होती जो हाँ आज जैसे एक स्टार म्यूजिक डायरेक्टर के हैसियत से नहीं, एकदम शुरू में मैं स्ट्रगल करने आया था और कल्पना जी ने बहुत सपोर्ट किया था। शुरुआत में उन्होंने 10 एल्बम की हमारे साथ, तो बचपन का ये कंपोजिशन था जब वीरेंद्र भैया बचपन में ही मुझे ऐसा गाना दिए थे और हमने कंपोज किया था उसको, बहुत कल्पना जी ने सराहा और बड़ा ये अद्भुत एल्बम था हम लोगों का ताजमहल जो हम लोगों ने किया था। दूसरा आज तक हो नहीं पाया, दूसरा भी बहुत जल्द और जल्दी शुरू। मुझे आज तक विश्वास नहीं होता है कि कल्पना जी भोजपुरिया बेटी नहीं है। ये कहती है कि मैं असम की रहने वाली हूँ तो मुझे डाउट होता है, इतना प्रोनाउंसिएशन कहीं से लगता ही नहीं है कि यहाँ की वासी नहीं है। सबसे बड़ी इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा उनकी। और ये काफी समय बाद जौन पूरा हुजूम बा जौन हमने की एगो ग्रुप बा एक भोजपुरी फिल्म के माध्यम से, हीरोगिरी फिल्म के माध्यम से हमने के फिर एक फिल्म मैंने जाया, एक से बढ़ के एक गाना बा। अभी कल्पना ये जो गाना के लिए शायद इनको याद ही होगा, काहे के जरवला रामा सजावल सपनवा, काहे के जरवला रामा सजावल सपनवा, जिनकी धुआं के कुहूं काके यार मानवा, काहे के जरवला रामा। कल्पना जी होती हैं तो बहुत हौसला हमारा बढ़ जाता है, हौसला इतना बढ़ जाता है। मधुकर जी की बात यह है कि हर एक म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर नहीं होते हैं। मधुकर जी मतलब उनको कहाँ पे क्या ये मुर्की चाहिए, यहाँ पे थोड़ा कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, वो उनके साथ गाने में एक तो फायदा भी है कि वो एग्जैक्टली बोल देते हैं, दूसरा ये भी चैलेंज होता है कि आपको वो एग्जैक्टली गाना है, आपका हाथ दर्द हो रहा है। सो वो भी दोनों चीज एक साथ बहुत अच्छा है इनके साथ काम करके, क्योंकि इतना इनके आवाज में वो सब है ना, हरकत मीड़ मुर्की, बहुत मजा आता है ना, जो मर्जी वो बना लो। हीरोगिरी के लिए क्या कहेंगे, संगीत किस दर्शकों को? हीरोगिरी में हमने के हर तरीका के संगीत लाइन बने जाए। हीरोगिरी में आइटम सॉन्ग भी मिलेंगे आपको, एकदम रूहानी रोमांटिक सॉन्ग भी मिलेंगे और इस टाइप के काहे के जरौले टाइप के भी गाने मिलेंगे आपको, सैड सॉन्ग जो सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब कल्पना जी पूरे गाने गा रही हैं तो फिर हर टाइप का गाना हम लोग एकदम। मुझे बोलना है, जैसे एक एक मान्यता था ना आपका, अभी भी है कि भोजपुरी मतलब ऑल डबल ग्रेडेड, मतलब डबल मीनिंग और चीप ऐसा है, लेकिन वो बहुत एक अच्छे लेवल पे आपने उसको खंडन किया है। फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ तक बात करूँ, जैसे सोचे रहनी वैसे पिया मोर बारा सांवर न गोर बारा हो, अभी का जो माहौल है उसमें इस तरह के गीत को आना और उसको कमर्शियली मतलब सक्सेसफुल बना देना, वो उससे एक ट्रेंड चेंज हुआ है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे रोमांटिक गीत आए और सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। सो ये गलतफहमी है कि अभी भोजपुरी में डबल मसाला सॉन्ग ही है, मसाला ही वो नहीं है। भोजपुरी में साहित्य भी है और उसको हम लोग फिल्मों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तक भोजपुरी में जितने बड़े बड़े महारथी हुए कहाँ उन्होंने सुन लिया है, जैसे भिखारी ठाकुर को देखिए, महेंद्र मिसिर को देखिए, या जितने भी दिग्गज रहे हैं। मतलब बोलना ये चाहती हूँ कि यहाँ पे भी साहित्यिक, जैसे आपने बोला कि चांदनी हंसके भुइयां छिटा गईले, उस पे जो शब्द का चयन है वो उसमें वो लिटरेटिव अप्रोच दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको थैंक्स कि वो जैसन सोचले रहनी वगैरह। अरे वेलकम वेलकम, आपने इतना अच्छा गाया है। मैं अभी जैसे अभी मैंने बोला अंदर ना कि ये रोमांटिक सॉन्ग क्या है, और मैंने फिर बोला कि स्लो रोमांटिक सॉन्ग क्या है, तो उससे एक 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 माहौल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिनेमा मींस एक्चुअली मैं सोचती हूँ सिनेमा मींस वही एक मींस बिग स्क्रीन के जो रोमांटिक सॉन्ग है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा भैया होता है जो संगीत में जो कल्पना हम लोग करते हैं उससे बढ़ के ये उसको मूर्त रूप देती हैं, उसको साकार करती हैं। ये फिल्म का नाम कल्पना दे देते हैं। हीरोगिरी कल्पना की। गाने के बोल में कल्पना हम लिखे हैं। वाह, कौन सा गाना है? चलिए आपको दिखाते हैं। अभी पत्ता धीरे धीरे खोलेंगे। कभी कभी होता है बहुत बढ़िया कम्पोजिशन बन जाता है गलती से, तो अगर सिंगर अच्छा नहीं मिलते हैं तो वो सारी कल्पना ऐसे मतलब खत्म हो जाती है। कल्पना के ऑपोजिट वर्ड क्या है? कल्पना
कल्पना एक्चुअली इन्हीं के मुंह से निकला, मैंने गाने में उस शब्द को ले लिया कल्पना को। कल्पना का भोजपुरी कल्पना होता है। नहीं नहीं उसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट कल्पना का ऑपोजिट अभी हो गया, हम लोग ऐसे बात। हां जी, आज हीरोगिरी का मुहूर्त हो रहा है, क्या करना चाहेंगे आप? मैं सॉरी सर, ये क्या कहना चाहेंगे हीरोगिरी का? वैसे तो मैं मनोज जी के साथ पहली बार फिल्म कर रही हूँ और इसका बहुत नाम है और मेरा इसमें फ्रेंड का कैरेक्टर है, बट ये बहुत अच्छी फिल्म है और जो सभी दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। तो क्या कहना चाहेंगे पूरी फिल्म के जो हीरो हैं, हीरोइन हैं और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, क्या कहना चाहेंगे सबके लिए? इसके क्या बोलूँ, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म के जो बोलिए इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं मनोज तोमर जी और जो प्रोड्यूसर हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत से ये मतलब पूरी लगन से फिल्म को बना रहे हैं और पूरी टीम भी पूरी मेहनत करेगी जो पूरे दर्शकों को बहुत अच्छी लगे। ओके थैंक यू।